आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर अच्छा खाएंगे पिएंगे, अगर बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में टेंशन नहीं है, आप मस्त हैं और किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपके चेहरे पर चमक आ जाती है। और जब हेल्थ साथ देती है तो फिर शरीर से पता लगने लगता है, फेस से पता लगने लगता है कि भाई सामने वाला इंसान हेल्दी है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको पता चलेगा। सीमा हैदर जब से हिंदुस्तान में आई है तब से लेकर अब तक सुर्खियां बटोर रही है। सीमा हैदर अपना कोई एक वीडियो साझा करती है तो थोड़ी ही देर में लाखों लोग उस वीडियो को देख लेते हैं, हज़ारों लोग पसंद कर लेते हैं और कुछ लोग शेयर भी कर लेते हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं। अब सीमा हैदर के कुछ वीडियोज़ जब सामने आए तो उसमें मैं गौर करने लगी। सीमा हैदर अभी खूबसूरत दिखती हैं, उनका चेहरा भर चुका है और पहले से ज़्यादा चेहरे पर चमक भी बढ़ गई है। सीमा हैदर हिंदुस्तान में आने के बाद पहले से बदल गई हैं। आज ही मैंने वो तस्वीर देखी है जिसमें सीमा हैदर और सचिन मीना एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, वो माला वरमाला जिसे कहते हैं, जो शादी के दौरान पहनाते हैं। और सीमा हैदर जब पाकिस्तान से यहाँ आई ही आई थी उस वक्त चेहरा बहुत कमज़ोर लगता था, बट अभी वो चेहरा हेल्दी दिखाई देता है। अब ये किसी के भी साथ हो सकता है। सीमा हैदर अगर वहाँ परेशान थी, पति का प्यार नहीं मिल रहा था, अकेलापन महसूस कर रही थी, पबजी खेलते हुए सचिन मीना से प्यार हुआ और इसी प्यार में फिर इतना बड़ा फैसला कि अपना मुल्क छोड़ दिया, अपना पति छोड़ दिया, चार बच्चों को लिया, घर बेचा, कुछ पैसे इकट्ठा किए और यहाँ हिंदुस्तान आ गई। हिंदुस्तान आकर जब सचिन मीना और उनके परिवार से मिली तो भरपूर प्यार मिल रहा है। प्यार सिर्फ परिवार का नहीं, पड़ोसियों का मिल रहा है। पड़ोसियों से भी दूर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्यार मिल रहा है उसके तो कहने ही क्या। बहुत से लोग पसंद करते हैं और बहुत से लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, बहुत से लोग ट्रोल भी करते हैं, उल्टे सीधे भद्दे कमेंट्स भी करते हैं, उन पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहूंगी कि सीमा हैदर पहले से हेल्दी हो गई हैं। अब सोशल मीडिया पर ही आज एक वीडियो मुझे दिखाई दिया, ये कोइंसिडेंस कहिए या फिर अब न जाने क्या बात है कि आज ही एक वीडियो मुझे दिखाई दिया जिसमें सीमा हैदर है और सीमा हैदर बोल रही हैं कि पाकिस्तान वालों आप मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और मैं हिंदुस्तान क्यों आई हूँ उसके पीछे भी मेरी एक मजबूरी है। मैं वहाँ, मुझे खाने के लिए खाना नहीं मिलता था, मैं वहाँ 10-10 दिन तक भूखी रहती थी। हालांकि वीडियो लंबा है लेकिन इतना छोटा सा एक पार्ट है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सीमा हैदर ने अभी हाल फिलहाल में जब ये ब्लैकिश साड़ी पहनी थी या फिर ये कहती थी ये डार्क ग्रे साड़ी पहनी थी, उसी दौरान का ये वीडियो है जिसमें सीमा हैदर ये कह रही है कि पाकिस्तान वालों तुम क्या जानो मेरी मजबूरी, मुझे उल्टा सीधा बोलते हो और क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं है जो मेरे लिए इतने उल्टे सीधे भद्दे कमेंट्स तुम करते हो। फिर मैंने ध्यान से देखा और ध्यान से देखा तो ये मालूम हुआ कि सीमा हैदर की ये पिक्चर ज़रूर है लेकिन यहाँ पर उस ऐप का इस्तेमाल किया गया है, उस एडिटिंग का इस्तेमाल किया गया है जिसमें आपके इतने हिस्से में मूवमेंट डाल दी जाती है और जहाँ स्टिल फोटोग्राफ भी बोलने लगती हैं, यही सीमा हैदर के इस वीडियो में किया गया है। शुरुआती तौर पर आपको लगेगा सीमा हैदर बोल रही है लेकिन आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा ये सीमा हैदर नहीं है, जबकि सीमा हैदर का ये फेक वीडियो बनाया गया है। लेकिन फेक ज़रूर है, बात सच है कि अगर वो पाकिस्तान में रह रही थी तो वो कमज़ोर थी, चेहरे पर दाग धब्बे थे, पिंपल्स के निशान थे और शरीर से कमज़ोर थी, लेकिन यहाँ रहने के बाद शरीर से हेल्दी भी हो गई हैं, चेहरे की चमक भी बढ़ गई है। तो फेक वीडियो ज़रूर है लेकिन बात तो सच्ची है। सीमा हैदर जब से हिंदुस्तान आई हैं तब से उनकी ज़िंदगी बदल गई है, वो खुश हैं और कहते भी हैं ना कि खुश इंसान हेल्दी होता है और वो जो हेल्दी होने की चमक होती है वो आपके चेहरे पर, आपके शरीर से पता चलती है। तो सीमा हैदर के चाहने वाले तो यही चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें, वो अच्छी रहें, वो बेहतर रहें। और अब जो ट्रोलर्स हैं, ट्रोलर्स का काम ही ट्रोल करना होता है, वो ट्रोलर्स ट्रोल कर रहे हैं, जांच चल रही है। मुझे लगा कि मुझे सच आप तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि फेक वीडियो गलत जानकारी जगह जगह फैलाता है। पाकिस्तान वालों तुम मेरे बारे में गलत कमेंट कर रहे हो, तुम्हारी माँ बहन नहीं है। अगर मैं इंडिया में गई हूँ तो मेरी मजबूरी से गई हूँ। पाकिस्तान में मुझे खाने को रोटी नहीं मिलती थी, 10 दिन भूखा मरना पड़ता था। तुम्हारा देश, तो ये जो वीडियो आपने अभी देखा जिसमें ये सीमा हैदर कह रही हैं कि भाई पाकिस्तान में खाना नहीं मिलता था, वो पूरी तरह से फेक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान में परेशान रहती हूँ इसीलिए वो यहाँ पर आकर भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की एक के बाद एक बुराई आए दिन करती रहती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान में कहती हैं कि पाकिस्तान में तो बेटियाँ बेची जाती हैं, यहाँ बेटियाँ पूजी जाती हैं। हिंदुस्तान की एक एक बात की तारीफ उनके मुँह से आपने अलग अलग मौक़ों पर सुनी होगी। तो सीमा हैदर तो यहाँ पर खुश है लेकिन सीमा हैदर के हिंदुस्तान में रहने से क्या आप खुश हैं?